नारियल के लड्डू तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज हम ये जो लड्डू बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हैं, साथ ही बिना चीनी के आज हम ये लड्डू बनाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मालाज कुकिंग तड़का में। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। नारियल का लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम कच्ची वाली गरी ले ली है। ये बहुत ही आसानी से फल की दुकान में मिल जाती है और गर्मियों में हर जगह ये ठेले पे लगाए हुए रहते हैं, तो बस ये वही वाली गरी है। और इसके अंदर पानी भी होता है, इसका पानी और गरी दोनों ही बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो देखिए, इसका जो ऊपर वाला पार्ट था, इसका छिलका, वो मैंने हटा दिया है क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं, तो जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उससे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए उसे हम हटा देंगे। अब इन गरी के टुकड़ों को हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। दोस्तों, ये जो कच्चा नारियल होता है ये इम्यूनिटी बूस्टर तो होता ही है, साथ ही हमारा वज़न घटाने में भी ये बहुत ही कारगर है। अगर आप इसे खाते हैं तो आपके वज़न में भी कमी आएगी और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। इसीलिए दोस्तों, कच्चा नारियल सबको ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। अब देखिए, गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे और उस पर सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है, क्योंकि घी में जो लड्डू या कोई ड्राई फ्रूट्स की चीज़ बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, साथ ही हेल्दी भी होता है। लेकिन अगर आप घी नहीं खाना चाहते हैं तो आप जो भी ऑयल खाते हो, सरसों का तेल छोड़ के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे मैंने 100 ग्राम मूंगफली ली थी और इसे हमने छिलका फूटने तक भून लिया है, तो इसे भून कर हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है कि इसका टेस्ट चेंज हो जाए। और अब ये देखिए, मैंने करीब 20 बादाम लिए हैं और बादाम को भी हम भून लेंगे, तो इन्हें भी हल्का हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। साथ ही मैंने 10 से 11 काजू भी ले लिए हैं और इसे भी बादाम के साथ में ही भून लेंगे। और ये लीजिए, ये बढ़िया से भुन चुके हैं और अब इन्हें हम अलग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, इसका मैंने कलर नहीं चेंज होने दिया है, लेकिन हल्के हल्के से ही इसे हमें भूनना है ताकि भुन भी जाए और इसका कलर भी ना चेंज हो। तो अब ये क्या करेंगे, अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें जो हमने नारियल छील कर रखा था इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हल्का ग्राइंड किया है मैंने इसे, दरदरा सा नारियल हमारा पीस कर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और अब ये जो हमने मूंगफली भूनी थी, साथ में जो ड्राई फ्रूट्स भूने थे, इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसे भी हमें दरदरा ही हमें इसे पीस कर तैयार करना है। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें हम डाल लेते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी के साथ में मैंने ये इलायची ली है और इलायची को भी छिलका उतार कर इसमें डाल देंगे। तो 2 या 3 इलायची ले लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे लड्डुओं का। और ये लीजिए, इसे अब हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, दरदरा सा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं हुआ है, हल्का सा ये दरदरा है। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाए थे उसे भी कट कर लिए हैं। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें ये करीब 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ इसमें हम डाल देंगे और करीब 1/4 कप पानी इसमें डाल देंगे। तो इसकी हमें चाशनी बनानी है, लेकिन ध्यान रहे, हमें इस चाशनी की कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपी सी एक चाशनी बनानी है। दोस्तों, ये लड्डू जो है ना, कोई भी बना लेगा, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है। आप बिगनर्स हैं तो भी आप इस लड्डू को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो गुड़ था इसमें उबाल आ गया है और चाशनी जो है वो चिपचिपी सी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी देखिए बढ़िया से बन चुकी है, तो चाशनी को हम साइड में रख देंगे। साथ ही जो हमारा पहले वाला पैन था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भूने थे, उसमें अभी घी बचा हुआ था, तो वही पैन फिर से हम गैस पे चढ़ाएंगे। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास है पॉपी सीड, या फिर आप इसे खसखस भी कह सकते हैं, उसे हम भून लेंगे। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप तरबूज के या फिर खरबूजे के जो बीज होते हैं उसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप ऐसे ही लड्डुओं में मिला सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसी में मैंने ये जो नारियल हमने रखा था क्रश करके, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और नारियल को हम घी के साथ भून लेंगे, क्योंकि नारियल में खुद का अपना तेल होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें घी की ज़रूरत नहीं है। वही घी में हम पूरा लड्डू बना लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी में ही ये लड्डू बनकर तैयार होगा।
तो नारियल को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें हल्का सा मॉइस्चर है। इसका मॉइस्चर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा बस उतना ही हमें इसे भून लेना है। तो देखिए नारियल अब आपको भुरभुरा दिखने लगा होगा, इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके रखे थे उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, साथ ही जो हमने काट कर रखे थे ड्राई फ्रूट्स बचाए हुए वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। और अब सारी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने गुड़ वाली चाशनी बनाई थी तो वो चाशनी इसमें हम डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालेंगे क्योंकि एक साथ डालेंगे तो हो सकता है हमारा जो लड्डू है वो गीला हो जाए। और चाशनी हमेशा जब भी आप गुड़ वाली इस्तेमाल करें तो उसे छान कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कितना भी साफ गुड़ हम ले लें उसमें कुछ ना कुछ गंदगी ज़रूर रहती है। तो देखिए इसे हम छान कर ही लेंगे और इसे मिला देंगे, इसके बाद फिर दोबारा हम चाशनी को इसमें डालेंगे। इस तरह से जब आप डालेंगे तो आपको चाशनी का आइडिया भी लग जाएगा कि चाशनी ज़्यादा तो नहीं हो रही है या फिर चाशनी कम तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको लगे कि चाशनी कम है, थोड़ा सा आपको सूखा लगे, तो आप इसमें ना क्योंकि गरम गरम है सूखा गुड़ जो ऊपर से है ऐसे ही आप इसमें मिला दीजिए और वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी गर्म हैं तो आसानी से जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी हम फिर से इसमें चाशनी डालेंगे, इसी तरीके से डालेंगे और फिर मिक्स कर देंगे। हाँ यदि आपको लग रहा हो कि आपकी चाशनी ज़्यादा हो गई है तो इसमें आप थोड़ा सा जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है किराना स्टोर पर, उसे भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए आप इसे इस तरीके से मिला लें और इसके बाद जो बचा हुआ चाशनी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि पूरी चाशनी हमारी इसमें लग जाएगी। और ये लीजिए पूरी चाशनी हम इसमें मिला देंगे। और अब चाशनी मिलाने के बाद में इसे हमें एक दो मिनट और पका लेना है ताकि बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और जो चाशनी है वो नारियल के साथ में अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ों को बढ़िया से हम मिला लेंगे, इसीलिए हमने पहले चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि हमें थोड़ी देर यहाँ भी चाशनी को नारियल के साथ में पकाना था। दोस्तों इन लड्डुओं का स्वाद ना बहुत ही गजब का होता है और चूंकि हम ये लड्डू गुड़ के साथ में बना रहे हैं तो हेल्दी भी बहुत है। और सबसे ख़ास बात कि आप इन लड्डुओं को व्रत में भी बना करके खा सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो आप व्रत में नहीं खा सकते हैं, तो आप इन लड्डुओं को व्रत में भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर लगभग रेडी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार देंगे और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का गर्म रह जाएगा तब इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है लगभग ठंडा हो चुका है। तो अब हमने एक इस तरह का स्पून लिया है, इससे क्या होगा कि सारे लड्डू एक साइज के ही बनेंगे। और इस तरह से मिक्सचर को ले करके हाथों में गोल घुमाइए और लड्डू का शेप दे दीजिए। आप बड़े छोटे अपने मनपसंद आकार में इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो दोस्तों बना करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है कि आपको कोई भी समस्या हो इन लड्डुओं को बनाने में, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप इसे बना करके फ्रिज में रखें या फिर बाहर ही रखें और आपकी फैमिली मेम्बर्स या बच्चे जो भी हैं सब इसे खा सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ख़ास बात ये है इन लड्डुओं की क्योंकि इसे हमने चीनी में ना बना के गुड़ में बनाया है, एकदम अलग तरीके से बनाया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो बनाएं इन लड्डुओं को और बनाने के बाद में मुझे कमेंट करके लिखें आपके लड्डू कैसे बने थे। अगर उसमें कोई भी समस्या आपको आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा फिर से इन लड्डुओं को बनाना बताऊंगी। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।